दोस्तों जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है उसके बाद इन पहाड़ों की जो खूबसूरती है ना वो ऐसे बदल जाती है कि मानो मन करता है कि इन पहाड़ों में ही घूमते रहें और यहीं इन कैंपिंग करें, इन खूबसूरत से पहाड़ों में अपना डेरा जमा के रखें और इस बर्फबारी के बीच। वैसे ही जब पिछले कल इन खूबसूरत से हिमालय के क्षेत्रों के पहाड़ों में बर्फबारी हुई और खास करके हमारे गाँव में भी बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई, बहुत ज्यादा तो नहीं हुई मगर हुई है और लगभग आधा फीट के लगभग गांव के जो टॉप में वो गिरी हुई है, बर्फ गिरी। और उसके बाद पिछले कल मौसम साफ हो गया था और उसके बाद जब मौसम साफ हो जाता है तो पाला पड़ता है, पाला पड़ने के बाद बर्फ टिक जाती है कुछ टाइम तक और क्योंकि माइनस में ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको अपने गाँव की खूबसूरती पूरी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हमारे गांव में क्या क्या कौन कौन सी जगह हैं आप लोग घूमने के लिए आ सकते हैं और कितनी खूबसूरती बढ़ती है जब यहाँ बर्फबारी हो जाती है और आसपास में जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे प्लेस हैं मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ में पूरी जो यहाँ की खूबसूरती है और जो यहाँ का पर्यावरण है वो कैसा खुल जाता है जब बर्फबारी होती है और कितना शानदार मौसम होता है। तो आज ऐसे ही मैं आपको एक अपने खूबसूरत से भुलनी के खर्क का विजिट करवाने जा रहा हूँ और भुलनी का खर्क आपको ले चलता हूँ। शायद आप लोगों ने पहले भी वो वीडियो देखी होगी मेरी, नहीं देखी होगी तो फिर से जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो चलते हैं यहाँ से और ठीक सामने मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप भुलनी का खर्क है, बहुत ही सुंदर है, आपको वहीं लिए जा रहा हूँ और अब मिलते हैं सीधे आगे इन खूबसूरत पहाड़ी नजारों के साथ। ऐसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा है गाइस, बहुत डेंजर है गाइस इधर। गाइस इधर बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है गाइस, हैं बे ओहो खूबसूरत भुलनी का खर्क जो हमारे गांव के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, आप यहां की खूबसूरती देख सकते हैं, एकदम शानदार, बिल्कुल लगभग पूरा 1 किलोमीटर का एरिया इसने वर्गाकार हिसाब से घिरा हुआ है और बीच में चारों तरफ से पूरा डेन फॉरेस्ट है और जो यहाँ की खूबसूरती आज और की है इस बर्फबारी के कारण यह तो बहुत ही ज्यादा है और देख सकते हैं आप सामने कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़ों पे ये बर्फ जो
बेस्ट स्नोफॉल हो रहा है और पेड़ों पे जो ऊपर ऊपर जम जाते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर नज़ारे, मन को मोहने वाले यही नज़ारे होते हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई करिए पहाड़ी क्षेत्रों में आने के लिए और कहीं ना कहीं आपको इतने सुंदर नज़ारे मिल जाएंगे। और खास करके इन पहाड़ी एरियों में आप चाहे हिमाचल जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे उत्तराखंड आओ, मगर ऐसे दूर दराज के गाँव में जरूर जाओ। शायद जहाँ पहले कोई नहीं गया होगा उन ऐसे गाँव में तो आप लोग जरूर आइएगा और यहाँ आपके आके आपको एक अलग ही नेचुरलिटी फील होगी, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी एक खासियत होती है, हर जगह की अपनी अपनी एक खूबसूरती होती है। तो ऐसे ही कुछ जगह ऐसी होती हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं, काफ़ी फेम मिल जाता है उनको, मगर कुछ ऐसी अनदेखी जगह होती हैं जो जिनको लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और वो विश्व पटल पे अपनी खूबसूरती को एक आगे तक नहीं पहुंच पाती है उनकी। और ऐसे ही हमारे जो ये दूरस्थ के प्लेस हैं इनकी भी काफ़ी पहले से अनदेखी हुई होती आई है, मगर बहुत खूबसूरत हैं, मन को मोहने वाले हैं। शायद आप लोगों को फॉरन कंट्रियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे दूर ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी और इन आसपास के गाँव में आके आपको बहुत ही सुंदर के स्नोफॉल के दर्शन हो जाएंगे। चश्मा लगाइए ना सर, ये लीजिए सर। दीजिए। अरे सर जच रहे हो आप। दोस्तों सुकून चाहिए ना, यहाँ आइए, हमारे गांव आइए, यहाँ आपको इतना सुकून मिलेगा ना शायद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस होते हैं पहले से जो जगह फेमस हो रखी हैं उन जगहों पे जाके आपको बहुत क्राउड मिलेगा, मगर हमारे यहाँ आके ये देखिए एकदम शांत है, बहुत शांति है। और क्या बात है, आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला है अगर आप हमारे गाँव आते हैं तो। जय श्री राम। गाइस चले गया। तो आज मेरे साथ में आया हुआ है गौरव पंवार, छोटा भाई। दोस्तों हमारे भूलनी खर्क का नाता काफी पहले से जुड़ा हुआ है हम लोगों की भावनाओं से, क्योंकि बचपन से एक तो हम लोगों का ये गाय चुगाने का सबसे नज़दीक का सबसे बड़ा ग्राउंड और सबसे बड़ा हुआ है अंदर जंगल, और दूसरा यहाँ पे शिप शेयरिंग का मेला जो इधर के लोकल फेस्टिवल भेड़ बकरियों का मेला होता है, भेड़ बकरी की लवाई होती थी वो प्राचीन काल से इसी मैदान में होती थी, इसी खर्क में होती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जो भेड़ बकरियों के मेला होता है तब यहाँ पे उनके लिए जगह बनाई जाती है, यहाँ पे शॉप खुलती हैं, मेला होता है, एक दो दुकानें भी खुलती हैं। काफ़ी पहले से, पहले तो बहुत सारे भेड़ बकरियों की टोलियाँ यहाँ आती थी मगर अब तो एक ही आ रही है। पहले ये अगस्त में वो मेला होता था मगर अब सितंबर लास्ट में होता है। तो साथियों हमारा भूलनी का खर्क काफ़ी प्रसिद्ध है पहले से ही और अगर बहुत सुंदर भी है, आप यहाँ की सुंदरता को निहारते निहारते रह जाओगे अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ सामने से जो सुंदर से डैन फॉरेस्ट के शांत से नज़ारों के दर्शन होते हैं और चिड़ियों की चहक मन को एकदम से मोह लेती है और दिल को सुकून पहुँचाने वाले पल यहाँ आके देखने को मिलते हैं और खुशियाँ बहुत होती हैं। और हम सब चीज़ यहाँ पर आके लगभग सभी वो टेंशनें खत्म हो जाती हैं जो अक्सर लाइफ में होती हैं और काफ़ी सुकून मिलता है, चाहे बर्फबारी यहाँ हो चाहे ना हो, फिर भी ये भूलनी का खर्क इतना सुंदर इतना खूबसूरत है। और यहाँ अभी देख सकते हैं ये ऊपर जो ये पेड़ हैं इनके ऊपर जो ये बर्फ जमा हुआ है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे इन हरे हरे पेड़ों ने अपने ऊपर कोई वाइट से फ्लावर अपने ऊपर उगा दिए हों और इतनी ही खूबसूरती लग रही है, ऐसी खूबसूरती लग रही है इनकी और मानो स्वर्ग यहीं आकर बस गया हो जब ऐसी जगहों पे आते हैं। तो साथियों आप जरूर प्लान करिए इन खूबसूरत से गांव में आने का, इन खूबसूरत से नए नए प्लेसों में आने का, जो जगहें अभी आप लोगों ने देखी नहीं उन जगहों को जरूर आइए और इससे बहुत सारी हमारे गांव को भी एक पहचान मिलेगी और ऐसे ये दूर दराज के जैसे जैसे पिछड़े हुए जो अनदेखे क्षेत्र हैं इनको भी कहीं ना कहीं विश्व पटल पे एक पहचान मिलेगी। तो हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का यही मतलब था कि आप लोगों को भी पता लगे कि हमारे गांव में चौमासी में भी और जो
प्रसिद्ध नहीं है, जो फेमस नहीं है, जो प्लेस, उन प्लेसों में भी काफी बर्फबारी होती है और काफी सुंदर प्लेसेस हैं जहां हम लोग आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से लिखिए। और अभी मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में और कुछ सुंदर से, खूबसूरत से नज़ारों के साथ। शायद आपको स्नोफॉल कैंपिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिले आगे, और क्या पता फिर से बर्फबारी हो तो आपको एकदम और अच्छे बर्फ के नज़ारों के दर्शन हो अगली वीडियो में। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही साथियों, तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। आप लोगों के लिए जय बाबा केदार। Thank you.